हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये देखिए कितना खूबसूरत विंका का फ्लावर खिला हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर दूसरा जो है खिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज़ गोइंग वेल विथ यू। तो अभी मैंने जो है अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग नहीं की है, लेकिन जल्दी ही मैं करूँगी और आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो मैं अपने लेमन के छिलकों का यूज कैसे कर रही हूँ। मैं जो है इन्हें शरबत वालों के यहाँ से लेके आई हूँ और आज मैं इनका इस्तेमाल अपने बायो एंजाइम में करने वाली हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा और फ्री का फर्टिलाइज़र भी है और पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड भी होता है, जिससे हमारे प्लांट्स जो है वो हेल्दी एंड हरे भरे बने रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बनाते हैं अपना बायो एंजाइम। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है बोतल में, जो हमारा प्लेन वाटर होता है, टैप वाटर, वो लिया है। लेकिन ये कल का भरा हुआ पानी है। तो 1 लीटर पानी और ये इतने सारे नींबूओं के छिलके लिए है। तो इसमें जो है हम 1/4 छिलके डाल देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1 चम्मच जैगरी लिया है, जिसे गुड़ कहते हैं। अभी ये पतला हो चुका है तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। और ये मार्कर है, जिससे मैं अपने एंजाइम पे बॉटल पे डेट डालूँगी। तो फ्रेंड्स, ये जो एंजाइम है ये हम 15 दिनों के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सिट्रस फैमिली का है और बहुत ही जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल 15 दिनों के बाद भी हो सकता है। तो इस्तेमाल करने के लिए हमें बस 10 ml इसका लिक्विड 1 लीटर पानी में मिलाकर अपने सभी पौधों में स्प्रे करना होता है। और फ्रेंड्स, अगर हमें मिट्टी में डालना है खाद के तौर पर, तो आप इसका 1 लीटर वाटर 10 गुना पानी में, यानी कि 9 लीटर या 10 लीटर पानी में ऐड करके हम अपने सभी प्लांट्स में डाल सकते हैं, क्योंकि इससे जो है प्लांट की एसिडिटी और पीएच लेवल बना रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका इस्तेमाल हम लगभग हर हफ्ते या फिर 10 से 15 दिनों में कर सकते हैं। तो आपको जैसे सूटेबल लगे आप वैसे करिए। और अब अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम अपना बायो एंजाइम जो है वो बनाकर तैयार करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो है गैसेस बनते रहते हैं, तो हमें हर 2 से 3 दिन या फिर हर दिन शुरुआती दिनों में हमें इसका ढक्कन जो है वो लूज करना पड़ेगा, ताकि वो गैसेस रिलीज हो जाए। और बाद में अगर ये पुराना होते जाएगा तो गैसेस इतनी नहीं बनेंगी, तो तभी हम इसे 2 से 3 दिनों में भी रिलीज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें अपने नींबू के छिलके डाल देते हैं। तो ये देखिए, अभी मैं ये पानी का बोतल का ढक्कन ढीला कर रही हूँ, ये मैंने खोल लिया है। और इसमें अभी हम ये नींबू के छिलके डाल देते हैं। ये देखिए, फ्रेंड्स आप अगर चाहे तो इसे काट भी सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन मैं जो हूँ ऐसे ही डाल रही हूँ। देखिए, बहुत ही आसानी से ये चले जाते हैं। इसके सीड्स भी आप इसमें ही डाल सकते हैं, कोई बात नहीं तो आप चाहे तो इसे अलग भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सभी ये छिलके डाल के दोबारा मिलती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे छिलके इसमें डाल दिए हैं और ये 1-2 बचे हैं वो भी मैं डाल दूँगी। और देखिए, अभी ये एक चम्मच ये गुड़ है, ये भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो है इसे ऐड करके आपसे दोबारा मिलती हूँ। यह देखिए फ्रेंड्स, हमने जो गुड़ है इसमें मिला दिया है और अब हम इसका ढक्कन लगा के इसे अच्छे से शेक कर लेंगे, ताकि ये सभी मिक्स हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अच्छे से इसे शेक कर लिया है
और ये ऊपर का जो लगा हुआ है मैं बाद में इसे अच्छे से शेक करके फिर इसमें मिक्स कर दूंगी। तो फ्रेंड्स इसे जो है अब हमें डार्क प्लेस में और ठंडी जगह पे रखना है, तो इसे हम 15 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।